दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री वाजपेयी जी पार्लियामेंट सेक्रेटरी हेल्थ, अमरनाथ जी, तरुण सिंह जी TGHS, सभी डॉक्टर्स, हमारे ऑफिसर्स। देखिए, हेल्थ सेक्टर जो है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जो भी लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो बाई चॉइस नहीं कह सकते, बाई लक यहाँ पर आए हैं। ये अकेला सेक्टर है जिसके अंदर आने के बाद वो कहते हैं कहावत होती बचपन में कि अच्छा काम रोज करेंगे, उस अच्छे काम को रोज के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, अच्छा काम आपको आपके काम की वजह से ही करना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग फॉर्चुनेट हैं कि इस सेक्टर में काम करने का मौका मिला, और मैं तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे हेल्थ सेक्टर में काम करने का मौका मिल रहा है। पिछले लगभग एक साल होने वाला है, 10-11 महीने हमारे हो चुके हैं, काफ़ी चेंजेज आए हैं। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसे पब्लिक की एस्पिरेशंस जो हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। हम हो सकता है सारा कुछ कर रहे हैं, हमने 90% काम कर दिया या 95% कर दिया, लास्ट का 5 छूट गया। हो सकता है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से 5% बहुत इंपॉर्टेंट हो। आज एक बहुत बड़ी शिकायत आ रही है जगह जगह से कि मेडिसिन नहीं मिली। हमने चेक कराया तो 90% की करीब अवेलेबिलिटी है, बट जो 10% का गैप है हमारे लिए लगता है कि 100 में से 90 नंबर आ गए, बट उसके लिए जिसको दवाई नहीं मिली उसके 100 में से 0 है, उसके लिए तो 0 है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने सब कुछ किया, डॉक्टर ने देखा, आपने टेस्ट किए, उसको एडमिट भी किया, अगर दवाई नहीं मिली तो आखिर में जाकर उसने शिकायत करनी कि दवाई क्यों नहीं मिली या उसको बाजार से खरीदनी। एक सोचने वाली बात है कि सरकारी सिस्टम में ज़्यादातर गरीब लोग आ रहे हैं, और सरकार अगर दवाई देने को तैयार है, दो तरह की दवाइयाँ हैं जो सरकार देने को तैयार है, कुछ दवाइयाँ ऐसी जो सरकार शायद नहीं दे पा रही है। हमारी जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है और जो दवाइयाँ कुछ स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स में कहते हैं कि हमारे पास ऐसे चाहिए, वो हम देने को तैयार है सारी की सारी, तो वो मिलनी चाहिए। कि डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब की है तो सोच समझ के प्रेस्क्राइब की होगी, वो उसको दवाई मिलनी चाहिए, ये सबसे पहली बात है। अगर दवाई नहीं मिल रही है तो उसको लगता है कि भाई ये मुझे देना नहीं चाह रहे, तो उस गैप को ख़त्म करने की जरूरत है। और हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है कि भाई दवाई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि पर्ची लिख दी आप बाहर से ले लो, हमें लगता है 100 रुपये की तो दवाई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे डॉक्टर्स को लगता है कि उसको खुद को ही ऐसा लगता है कि दवाई तब ज़्यादा अच्छा काम करेगी कि फला फला ब्रांड की लिखेंगे। मैं इसमें ये लिखूँगा उसका नीयत खराब है, अरे 100 रुपये की दवाई है, उसमें डॉक्टर की तो कोई उसको कोई कमीशन थोड़ा मिल रहा है 100 रुपये में। पर उसको खुद को ही फेथ ऐसा लगता है कि इस ब्रांड की लिखने ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये आपको समझाने की ज़रूरत है कि आपने अगर प्रिस्क्राइब किया कि दूध पीने की ज़रूरत है जी, तो आप लिखेंगे दूध पीजिएगा रोजाना सुबह और शाम। अब ये कहोगे जी फला फला डेयरी के रामू के भैंस की काली भैंस का दूध लेना है, ये तो बड़ा अजीब सी बात है। तो दूध इंपॉर्टेंट है और रामू की भैंस का दूध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुझे जहाँ तक नॉलेज हुई आप ही लोगों से बातचीत करके पता लगा है। बट उस यंग जनरेशन को आपको इसको गाइड करने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है कि अननेसेसरी में हमारी कई बार फार्मेसी में दवाइयाँ होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वो ना लिखे कोई और लिखे। हम लगभग 700-800 दवाइयाँ दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर 60,000 दवाइयाँ मिलती हैं जो आपकी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। 60,000 का तो प्रक्योर कर पाना असंभव है, उनकी लिस्ट रख पाना या पॉसिबिलिटी के बाहर है। तो ये भी हमारा एक पार्ट है। कई बार MS मेरे पास आके कहते हैं सर हमने तो सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, कभी कभी कोई डॉक्टर ना दवाई अलग लिख देता है। तो उनको बिठाइएगा, उनसे सब बातचीत कीजिएगा और उनसे समझाइएगा कि नहीं हमें वही दवाई लिखनी जो हमारे पास अवेलेबल है, और दवाई अवेलेबल नहीं है तो सब कराना पड़ेगा हमें। ये हम उसको बीच में नहीं छोड़ सकते कि हम दवाई ना दें। दवाई के साथ साथ मुझे यहाँ तक भी शिकायत मिली थी, पीछे 3-4 महीने पहले हमने लोगों को भेजा कि जैसे MCH के लिए डिलीवरी के लिए कोई पेशेंट आता है तो उसको छोटी सी पर्ची बना के दे दी जाती है, हॉस्पिटल की उसमें नहीं होती, अलग से पर्ची बना के दे दी, वो 300-400 रुपये का सामान है। अब वो 300 रुपये गवर्नमेंट खर्च करने के लिए मना तो नहीं कर रही, गवर्नमेंट इज कमिटेड कि हम करने को तैयार है। एक पेशेंट को एक दिन सरकारी अस्पताल में भर्ती करके रखने का खर्चा हमारा 7,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक आ रहा है। अगर उसको हमने 3 दिन भर्ती रखा और 7,000 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपये खर्च कर दिया तो 300 रुपये के लिए सरकार मना नहीं कर रही। हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम वो 300 रुपये बचा के या 300 रुपये के उसको कह के हम सारी बेड बिल ले रहे हैं सारा काम करने के बावजूद। एक कहावत है जैसे हमारे कहते हैं ना सब कुछ करने के बाद झाड़ू फेर देना, हम सब कुछ करते हैं आखिर में
छोटी सी चीज की वजह से झाड़ू फिर जाती है उस पर एक राय पे। मैं अक्सर हॉस्पिटल में जाता हूँ, रात रात को भी जाता हूँ। कई लोग ये समझते हैं कि मैं शायद वहाँ पे रेड मारने रेड वेड मारने नहीं जाता, समझने के लिए जा रहे हैं कि सिस्टम को अंदर से समझे क्या चीज है, लोगों की एस्पिरेशन क्या है, लोग हमसे चाहते क्या है, अल्टीमेटली निकल के क्या आता है। अभी 3 दिन पहले हेडगेवार हॉस्पिटल में मैं गया, एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसका हस्बैंड बहुत एजिटेटेड था, बहुत ज्यादा एजिटेटेड था। मैंने कहा क्या हुआ, कहते एक हफ्ता हो गया ये कुछ इलाज ही नहीं कर रहे, और मुझे देख के उसका जोश भी आ गया, उसकी मदर भी आ गई कि अब तो शिकायत करने का मौका मिल गया है, और जोर से उन्होंने जो लेडी थी उसको भी बुला लिया जिसको प्रेग्नेंट, मैंने कहा उनको तो भेजो, उनको क्यों टेंशन दे रहे हो, उनको तो अंदर भेज दिया। फिर मैंने उससे बोला माता जी ये बताइए जो जन्मदिन की डेट है भगवान फिक्स करता है कि डॉक्टर करता है, कहता है भगवान करता है। तो मैंने बोला जब जिस दिन डेट होगी उस दिन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होना होगा, तो आप प्रेशर क्यों कर रहे हैं। कहते उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया, दवाई नहीं दी। मैंने दवाई देनी है नहीं दी तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। अल्टीमेटली क्या निकला, कहते हमें कुछ बताया नहीं, मेरी बात कभी कही नहीं, 30 सेकंड मुझे लगे वो सेटिस्फाइड हो गए। अगर हमारे में से कोई आदमी 30 सेकंड मुझसे बात कर लेता, 30 सेकंड बस, कि देखिएगा अभी समय लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, आप थोड़ा शांति रखिए, समझ कर। कहते क्या हुआ कि उनसे किसी 1 मिनट के लिए बात नहीं करी, उनको यही एजुकेशन निकली, वो मान गए हमारी ठीक है, हम बिल्कुल खुश है। तो हमारी जो गैप आ रहा है, एक तो दवाइयों की तरफ गैप आ रहा है, दूसरा सॉफ्ट स्किल में भी गैप है। अगर हम थोड़ा सा समझा दें प्यार से, जो भी जितने बड़े लेवल पर है उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ये कहते हैं पेड़ पे अगर फल लग गए तो उसमें झुकना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फूंक की तरह खड़ा होता चला जाए, ऊपर चला जाए। तो हमारे को उसमें समझने की जरूरत है कि लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, और कई बार इतना ज़्यादा गैप हो जाता है, इतना गैप हो जाता है कि जो लोग आया जो हमारे इलाज लेने के लिए आए, वो रिक्शा वाला है या कोई झुकी झोपड़ी में रहता है, बहुत गरीब आदमी है, जो उसके अटेंडेंट हैं वो उस लेवल से बहुत ऊपर है। हमारे यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज हैं वो उससे काफ़ी ऊपर लेवल के हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हम उसको झड़क सकते हैं, ये हमारा अथॉरिटी है, नहीं करना चाहिए। हम लोग अगर उसको सब कुछ करने के बावजूद अगर उससे थोड़ा प्यार से बात नहीं करी, थोड़ा झड़क दिया, तो गड़बड़ है। उसकी जिम्मेदारी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इन सभी लोगों की है कि हमें सेंसिटिव बनाने की ज़रूरत है, पूरे स्टाफ को, खुद को बनने की आवश्यकता भी है, स्टाफ को बनाने की जरूरत भी है। दवाइयाँ या कंज्यूमेबल्स ना मिलें ये तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सरकार उसके लिए तैयार है कि हमारे कितना भी पैसा लगे। सीएम साहब का ऑर्डर है कि अगर हमारे साल में 500 करोड़ लगते हैं इस काम के ऊपर, 1000 लग जाएं हम तैयार हैं, हमें इसके पीछे हटने की जरूरत नहीं है। पहले उल्टा होता था, आप लोग कहते थे दवाई दे दो, सरकार मना करते थे हम नहीं देंगे। अब हो क्या रहा है कि हम कह रहे हैं दवाई दे दो, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर गड़बड़ है कुछ ना कुछ। हमें सिस्टम को ठीक करना है, पूरे ओवरऑल सिस्टम को हम रिफॉर्म करने में लगे हुए हैं, वो बड़ी चीज़ें हैं, उसमें समय लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, बट तब तक के लिए हम सिस्टम को स्टैंड स्टिल नहीं छोड़ सकते। इस सिस्टम को परफॉर्म तो करना पड़ेगा, लोगों की एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हैं, जितने सिस्टम से परफॉर्मेंस की उम्मीद है उससे ज़्यादा सीएम साहब के साथ हैं। वो कहते हैं कि वो आ गए हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो वो भी दिखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पहले जो चलता था उतने से काम चल जाएगा, उतने से सेटिस्फेक्शन लोगों की नहीं है, उनकी एस्पिरेशन बढ़ चुकी हैं, तो उस एस्पिरेशन पे हमें पूरा होना पड़ेगा। 5-6 चीज़ें हैं छोटी छोटी, सफाई हो जाए हॉस्पिटल के अंदर, सिक्योरिटी ठीक हो, आपको दवाई मिल जाए, कंज्यूमेबल मिल जाए, और एक डॉक्टर मिल जाए। कहाँ पर शिकायत आती है कि हम ओपीडी स्टार्ट करते हैं 9 बजे, टाइम दिया 9 बजे का, और ओपीडी स्टार्ट हुई 9:15। इस 15 मिनट के अंदर झगड़ा स्टार्ट होता है। मैं खुद गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने आप गया एक हॉस्पिटल में, गया 9 बजे, 9:30 तक मैं रहा, एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे 9:45 आके, 9 बजे का टाइम था, 9:45 आके बैठे हुए थे, सारे पेशेंट लाइन में लगे थे, बड़े खुश थे, जबकि डॉक्टर ने देखा भी नहीं था, लाइन में लगे थे, बड़े खुश थे। मैंने क्यों खुश है, कहते सर देखो डॉक्टर साहब बैठे, जहां पर 9:15 हो गए थे वो बड़े एजिटेटेड, कमरा खाली पड़ा है, डॉक्टर तो नहीं। अब हमें लगता है कि भाई 15 मिनट से क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट से फर्क पड़ता है। अगर ट्रेन आपकी 9 बजे की है, 9:01 ट्रेन नहीं मिलेगी, ट्रेन चली जाएगी, रुकेगी नहीं। हमारे को इस बारे में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अगर पब्लिक को 9 बजे का टाइम दिया तो अपना टाइम 9:45 मान लीजिएगा। हमें ये 4-5 चीज़ें सीएम साहब से कई बार कह चुके, भैया बाकी चीज़ें आप करते रहना जब भी करेंगे, कि भाई डॉक्टर्स को मिल जाए, दवाई मिल जाए, कंज्यूमेबल्स मिल जाए, सफाई हो जाए और सिक्योरिटी मिल जाए। अगर इतना भी आप मेंटेन करते रहें
बाकी जो बड़ी चीजें करना है हम लोग कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी है, पॉली क्लिनिक है, हम स्टैंप बढ़ा रहे हैं, बड़े सारे चेंजेस कर रहे हैं, सब चीजें साथ-साथ करेंगे, मिलके करेंगे, बट ये पांच चीजें जो है इनको तो इमीडिएटली करना ही पड़ेगा। अभी बाकी टाइमलाइंस वगैरह के बारे में परसों डिस्कस हुआ था, सीएम साहब डिटेल में बताएंगे कि कैसे करना है इसको। तो मेरा यही कहना है कि हम एज ए टीम, मैं ये मानता हूँ कि सिस्टम की कमियाँ ज़्यादा हैं, हमारे जो लोग हैं लोगों में इतनी कमी नहीं है। मैं अभी पीछे मैनचेस्टर गया था, यूके में मैं गया था इसको सीखने के लिए, देखने के लिए कि मैं सीख के आता हूँ कुछ। तो एक चीज़ मेरे को बड़ी सीखने को वहाँ पे मिली, कुछ एमएएमसी के डॉक्टर्स बीच में मिल गए, तो वो कहते हैं कि हमारा जो कॉलेज है ना इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर वन है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कितने सारे लोग बैठे थे बीच में, कहते हैं मेरे में नंबर वन कैसे बताओ। कहते सर जितना प्रेशर में हमें काम करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं प्रेशर, जो सीखा हमने वहीं पे सीखा था, जितने पेशेंट देखने को मिले एक दिन में इतने हमें एक महीने में देखने को नहीं मिलते। और सर जिस तरह का हमारा माहौल है, जो हमारा कल्चर है, जितना सीख के आए हैं उन लोगों की वहाँ पर तारीफ है, और हम यहाँ पर अपने आप को सोचते हैं हमारे में शायद कोई कमी रहेगी। दूसरा बताता हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूँ, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मैं देखने जाता हूँ सिर्फ सीखने के लिए, और सभी जगह पता लगा कि जितने भी टॉप मैनेजमेंट में जितने भी टॉप के डॉक्टर सब हमारे यहाँ से गए हैं, सारे के सारे सरकारी तंत्र से गए हैं। तो वो वहाँ पर जाते हैं टॉप वाले कहलाते हैं, बड़े डॉक्टर कहलाते हैं, उनके पीछे लगा होता है एक्स एम्स, एक्स एमएमसी, एक्स एलएनएच, उसके पीछे एक्स जीटीबी, यही लगा होता है। तो ये तो सब मानकर जनता के अंदर एक चीज सबसे बड़ी मैं बता सकता हूँ, सरकारी सिस्टम के अंदर फेथ है अभी भी। वो किस बात का है कि सरकारी हॉस्पिटल में गलत दवाई नहीं मिलेगी, दवाई की जरूरत होगी तभी देंगे, गलत इलाज नहीं होगा, ये फेथ बहुत बड़ा है। पर ये मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ, सबसे पूछता हूँ मैंने कभी फिर जाते क्यों, ये भी पूछ लेता हूँ कि इसमें इतनी सारी कमियाँ हैं। नहीं जी, वहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज अच्छा होता है, फेथ है। अब उस फेथ के ऊपर हमने सारा कुछ बिल्डअप करना है, उस फेथ को आगे लेके जाना है कि जो हमारे पास फेथ जनता के, क्योंकि प्राइवेट सिस्टम के अंदर फेथ नहीं रहा, ये भी बता रहा हूँ आपको, प्राइवेट के अंदर चकाचौंध बहुत कुछ है, उसके बाद पब्लिक का फेथ नहीं है, फेथ कम हो गया है। तो उस फेथ को हमने, जो हमारे पास हमारा फेथ है उसको बरकरार रखना है और आगे बढ़ना है। प्राइवेट के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें लेनी है, अच्छी क्या है, सफाई अच्छी होती है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, मैनेजमेंट अच्छी है, सारा चीज़ वो हम उनसे लेने ही, और अपना फेथ कम नहीं करना। ये नहीं कि हम वहाँ की अच्छी चीज़ें लें तो अपनी अच्छी चीज़ छोड़ देंगे। तो हमारी सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों का हमारे पास भरोसा है, उनको पता है कि अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, प्राइवेट के ऊपर ये भरोसा नहीं है। इस भरोसे को आगे बढ़ाते हुए 2-3 साल के अंदर हम सब चीज़ों को करेंगे, तब तक के लिए हमारे को इमीडिएट लेवल पर जो काम करना है उसको हम इमीडिएटली करेंगे और सब मिलकर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।